लखनऊ जोन के हाई स्कूल ग्राउंड में डीसीए गर्ल्स सीनियर लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 जिसमें जबलपुर सिवनी मंडला लखनऊ जोन की टीमों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। लखनऊ जोन के इस ग्राउंड में पहली बार गर्ल्स टीमों ने हिस्सा लिया और जबलपुर सिवनी के बीच फाइनल मैच खेला गया जिसमें जबलपुर को मात देकर सिवनी ने यह मैच अपने नाम कर लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बच्चियों से हाथ मिलाकर बधाई दी, विकेट नेट एवं स्टेडियम देने की बात कही। मंच पर अतिथि लखनऊ जोन टीआई महादेव नागोतिया ने पुरस्कार वितरण कर बच्चियों के हौसला अफजाई किया और इस मैच को सफल बनाने में क्रिकेट के डीसीए सचिव बैजू बर्मन की क्षेत्रीय जनता ने प्रशंसा की। और हमारा प्रयास रहा जो जिला सिवनी है जिसके छोटे शहर में लखनऊ जोन में ये आयोजन किया गया जिसमें मंडला जिला, जबलपुर जिला, लखनऊ जोन और सिवनी जिला ने भाग पार्टिसिपेट किया और यह प्रतियोगिता 30-30 ओवर की कराई गई है जो कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मेट में आती है और उसी के नियम के आधार पर हम लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की जो कि काफ़ी सफल रही और जिस आधार पे हम लोगों ने ये प्रतियोगिता कराई थी क्योंकि जिला से काफ़ी बच्चियां हमारे संभाग और रणजी ट्रॉफी टीम में है जो कि वर्तमान में अभी तरंग झा आफिया खान रणजी ट्रॉफी कैंप में है और एक और है जो कि शिफा मालवी करके है जो लड़की छिंदवाड़ा से है वो जो रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रही है। तो हमको आने वाले समय में हमको नई प्रतिभाओं को लेने के लिए ये आयोजन कराना पड़ता है और इस आयोजन को हमने ये लखनऊ जोन में कराया गया। शासन देखने को मिला, जबलपुर की टीम वास्तव में बधाई की पात्र है और सिवनी वाले से मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आपके लिए जीत। लखनऊ जोन संवाददाता विकास जैन की रिपोर्ट।